बिहार में सड़कों की हालत बहुत खराब थी। विकास के लिए सड़कों का होना नितांत आवश्यक है। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि बिहार के किसी भी सुदूर इलाके से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से अधिक समय नहीं लगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया। जिस राज्य से सदियों पहले विश्व विख्यात ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरी, वो राज्य तरस गया था अदद एक अच्छी सड़क को। कस्बों से जिला मुख्यालय की छोड़िए, राजधानी पटना को जाने वाली सड़कें तबाह होकर बड़े बड़े खड्डों में बदल चुकी थी। रात का सफर जानलेवा था, हाईवे तक पर बदमाशों का कब्जा था। राज्य का कोना कोना राजधानी पटना से जुड़े, इसके लिए 34,000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज और उन पर 2,000 से ज्यादा पुल बना दिए गए। मिथिलांचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले कोसी महासेतु के 1934 के भूकंप में तबाह हो जाने से पूर्णिया, अररिया और सुपौल वालों को दरभंगा मधुबनी की कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नेपाल होते हुए सैकड़ों मील का चक्कर लगाना पड़ता था। 400 करोड़ खर्च कर लगभग 11 किलोमीटर लंबा ये पुल बनवाकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी। सफर का समय और दूरियां कम हो गई। डिस्ट्रिक्ट के लोग एक दूसरे जगह से, जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय जाने के लिए, आने के लिए लोगों को भाया नेपाल 8 घंटे लगभग लगते थे, यानी तो फिर सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कई डिस्ट्रिक्ट होते हुए कम 8 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके वापस फिर से निर्मली आना होता था, जो अब ये पुल बनने से मात्र 40 से 50 मिनट में हो जा रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क हुआ है। जहाँ हम लोग 6 घंटा में जाते थे, वहाँ अब 2 घंटा में हम लोग आते जाते रहते हैं। गाड़ी का भी सफर हम लोगों की बहुत कम हुआ है, डीजल का भी बचत है। सारे व्यापारिक रिश्ते टूट गए थे, सारे संबंध लोगों के टूट गए थे, जिनके शादी हो गए वो बिल्कुल भूल भाल गए थे, और नई शादी का तो लोग कल्पना भी नहीं करते थे। गांव में 160,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बना दी गईं, तरक्की की गाड़ियां तेज दौड़ पड़ी और इन्हीं राहों से होकर गांव तक पहुंचने लगी। रोजगार, कारोबार, व्यापार, सबकी राहें खुलती गईं।